स्टडी नोट्स पीडीएफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज। इतना ही नहीं, आप जीत सकते हैं पठान मूवी के टिकट्स हर घंटे। अरे भाई, पढ़ाई से ब्रेक भी तो लोगे ना, है ना? तो अगर SSC एग्जाम, LIC, TVS, UGC, NET, AI, ATC, GATE, AU, State PSS, UPSC, CSIR, NET के जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी जाइए उस ऑफर का लाभ उठाइए ओनली ऑन टेस्टबुक सुपर कोचिंग। Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बा confirmation देंगे? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बा confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? Airport Authority of India, ETC, Air Traffic Controller के physics के session में आप सभी बच्चों का स्वागत है. Guys, पिछले काफी दिनों से हम लोग regular मिल रहे हैं और आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब हम रेगुलर मिलते हैं, क्लियर, आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम रेगुलर मिलते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स के सेशन करते हैं। पिछले एक महीने से मैं आपको हर टॉपिक के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ और पिछले 6 दिन से मैं आप लोगों के लिए शाम को प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आता हूँ विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, राइट? तो हर दिन हम लोग मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, कभी किसी तरीके के, कभी किसी तरीके के। और जो मेरा डेडिकेटेड है वो फिजिक्स का पोर्शन है 12th क्लास का, यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। देन अगर हम बात करें तो आपका एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, या बात करें तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। और अभी रिसेंटली मैं एक क्लास प्लान कर रहा हूं जिसमें मैं आपको सारे फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करवाने वाला हूं। कैसा रहेगा ये प्लान? हाँ, ये सारी चीजें एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, 2 या 3 क्लास हम रखेंगे जिसमें सारे फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा और आपके पास पूरा का पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला एक ही शीट में बना हुआ रह जाएगा, तो आप लोगों को रिवाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये सारी क्लासेस भी मैं प्लान कर रहा हूँ, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। बिकॉज टाइम हमारे पास इसलिए है क्योंकि आपके लिए गाइज मैंने अपनी फिजिक्स की क्लासेस Day 1 से स्टार्ट कर दी थी। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था उसी के नेक्स्ट डे से शाम से 5 बजे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमारे पास समय बहुत है। हमने काफी हद तक चीजों को देखा है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे अभी शुरुआत में अभी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइज अगर आप चाहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC का एग्जाम क्लियर करना तो अभी बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अभी तक भी एडमिट कार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 20 फरवरी तक पेपर नहीं होने वाला है, पेपर हुआ भी तो 25 से लेकर 28 के बीच में, अदरवाइज पेपर मार्च में आपका जाएगा। तो आपके पास अभी भी मौका है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करो और बढ़िया तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करो। एक बार टेलीग्राम पे यार लिंक शेयर कर देना यार, क्लियर, एकदम टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देना। ये क्वेश्चन आपको क्यों रिलीवेंट लग रहा है ATC के लिए? सर, ये क्वेश्चन आपको क्यों रिलीवेंट लग रहा है ATC के लिए? तो कोई क्वेश्चन का रिलीवेंसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अब आप अगर मुझसे पूछोगे ये क्वेश्चन क्यों रिलीवेंट लग रहा है तो किस सेंस में ये क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर उसका आंसर हमारे पास है कि ये क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है तो फिर मेरे पास उसका आंसर होगा कि ये क्वेश्चन रिलीवेंट क्यों है, क्लियर? चलिए, गुड इवनिंग मोहिनी। चलिए तो एक बार टेलीग्राम पे सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देना यार, मोहित सर इज लाइव नाउ, तो फिर अपन लोग बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सौरभ शुक्ला जी, आप ये बोल रहे हैं कि आपको ये कैसे लग रहा है ना सर, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है कि रिलीवेंट है ATC के लिए? तो अगर आपके मन में ये सवाल आया, बाकी बच्चों के मन में नहीं आया, मेरे मन में भी नहीं आया, किसी और के मन में पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि ये क्वेश्चन रिलीवेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले आपके मन में ये रिलीवेंट कैसे है, तो मेरा सवाल आपसे ये रिलीवेंट क्यों नहीं है? अगर ये आपके पास रीजन है तो मेरे पास भी रीजन है कि रिलीवेंट क्यों है, बताइए। गुड इवनिंग इजी लर्न कोडिंग सर, एक डाउट है, यस अभिषेक पूछिए। गुड इवनिंग मोहिनी। चलिए जल्दी 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 फटाफट एक बार टेलीग्राम पे सभी बच्चे शेयर कर देना सेशन को और मस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है तो सौरभ जी इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। लास्ट ईयर एक सवाल पेपर के अंदर पूछा हुआ है, लास्ट ईयर की बात है, एक सवाल पेपर में पूछा हुआ है ये, ऐसा करके एक सवाल है, चेक कर लेना एक बार जाकर के, इस वाले पर्टिकुलर गेट का आउटपुट क्या होगा, इस वाले पर्टिकुलर गेट का आउटपुट क्या होगा, ऐसा करके सवाल होगा। अगर आज मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता तो आपके मन में ये आएगा ये रिलीवेंट क्वेश्चन थोड़ी है सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के में से 4 क्वेश्चन हमेशा से ऐसे पूछे गए जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतने सड़े हुए क्वेश्चन होते हैं कि देखते से बच्चा आंसर कर देता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासियस मोसाटी इक्वेशन क्या होती है, अगेन ये वही क्वेश्चन है कि भाई देखते से बच्चा कर देगा कि ये रही क्लासियस मोसाटी इक्वेशन। देन बहुत बार सवाल ये पूछा गया है, बताओ इनमें से कौन सा है जिसकी SI यूनिट ये है, एक क्वेश्चन वहां पे भी आता तो फिर वापस वही बता देती है रिलीवेंट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, रिलीवेंसी तो हर जगह है। ये क्वेश्चन 99% बच्चों को आसान लगेगा, लेकिन जिन बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप सब जानते हो कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग का है, कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का जाएगा, आसान नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी है तो सेम मटेरियल के लिए चेंज नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल अभिषेक भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी भी किसी मटेरियल का चेंज नहीं होता. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज जस्ट रेजिस्टिविटी, इट कैन नेवर बी चेंज. तो पोल करा लो रिलीवेंट है या नहीं है. बेटा यार सौरभ ये सब काम मेरे को नहीं करना है यार, मेरे को सब पता है क्या रिलीवेंसी है और क्या नहीं. ये सब काम मेरे को नहीं करना है, है ना. ये सब काम बेटा मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना है. और अगर तेरे को लगता है क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है तो मेरी पुरानी क्लासेस में जाके प्रीवियस ईयर की क्लासेस में देख लेना, क्लियर है कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स के ऐसे होते हैं जो इसी लेवल के आते हैं. 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में रहता है ना, ऐसा देख लेना. अभी अपन उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते. सर आपने किस एग्जाम डेट का वीडियो बनाया था आज? आज मैंने जो वीडियो बनाया था, क्लियर है ना, आज मैंने जो वीडियो बनाया था सर आप पढ़ा लीजिए. कल भी इनको क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं लग रहा था, सॉरी बट इट्स ट्रू. ओके 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 ठीक है चलो. तो हाँ सत्यम भाई की मैं बात कर लेता हूँ. आज जो मैंने वीडियो बनाया था वो एग्जाम था सीनियर असिस्टेंट का, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की पोस्ट थी. जैसे जब आपका 80 से आया था तभी वो भी एग्जाम आया था, बट वो छोटा एग्जाम है. छोटा इन द सेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स है, इसलिए एक आधी शिफ्ट में वो पेपर हो जाएगा, है ना, इसलिए वो करवा दिया गया भाई. ठीक है चलिए. तो 19 फरवरी को तो छोटा सा एग्जाम है. चलिए. विच अमंग द फॉलोइंग लॉज गिव्स द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए. अगर यहाँ पे वर्ड लिख दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ही हो जाता है यहाँ पे कूलम्स लॉ. क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे? कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स जो होती है आपको वो सभी को पता है, दो चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल होती है. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद. बढ़िया वाला. Enlarged image is formed by concave mirror when object is. अब यार ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर ही आया हुआ है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है. तो अब ये तो नहीं बोलना चाहिए कि रिलीवेंसी नहीं है ना, रिलीवेंट तो है. Enlarged image is formed by concave mirror when object is. एक enlarged mirror एक concave mirror से कब बनती है? तो अगर हम एक concave mirror की बात करें तो आप सभी को पता है कि concave mirror में जब object infinity पे होता है तो image focus पे बनती है. जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे जाता है तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है. तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, बिटवीन फोकस एंड पोल. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल हो या फोकस एंड पोल हो, दोनों ही केस में आपकी इमेज जो बनती है वो एनलार्ज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है. एनलार्ज भी बनती है और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है. चलो नहीं नहीं देखो यार ऐसा नहीं, मैं किसी की बात में ध्यान नहीं देता हूं. मेरे लिए हर एक स्टूडेंट स्टूडेंट ही है. रास्ते सबके पास अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5. कोई इस रास्ते पे जाता है, कोई इस रास्ते पे जाता है, कोई इस रास्ते पे जाता है, कोई इस रास्ते पे जाता है. मेरा काम है एक ही रास्ता सही है, सबको उस पे लेके आना. ठीक है, कोई जल्दी आ जाता है, कोई बिना पूछे आ जाता है, कोई किसी को फोर्स लगानी पड़ती है. तो सबका नेचर अलग अलग है, राइट. चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आ देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे. ये मेरा अपना क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे सभी बच्चे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर. यहां पर आपके पास x है, यहां पर आपके पास 1 है, ठीक है. और अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास 0 है, और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास एक आउटपुट निकल के आएगा, और आउटपुट जो आपका निकल के आएगा उसका आपको एडिशन करना है, यानी कि आपको f की वैल्यू निकालनी है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f, फाइंड f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां से जल्दी से सभी बच्चे, है ना. कुल मिला के ये आपका नॉर्मल सा सवाल है, बहुत ज्यादा दम लगाने वाला सवाल नहीं है, बहुत प्यारा सा सिंपल सा सवाल है. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं. अगर आपने मेरे स्टूडेंट हो आप तो आराम से कर लोगे. एक्स और वन, तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट. मॉक टेस्ट में उसका आंसर गलत दिया है, मेरे को एक बार भेज देना यार, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, एक बार मुझे भेज देना तो मैं चेक कर लूंगा. जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को गाइस फटाफट सभी बच्चे, जल्दी. जल्दी करेंगे गाइस फटाफट फास्ट, बहुत बढ़िया. तो काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया है, तो मैं भी देखता हूं गाइस, मैं भी करता हूं, है ना. काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया है, तो मैं भी करता हूं, जरा देखेंगे. ये बेटा x और 1 है, राइट. चलिए अब यहां पे देखेंगे ये कौन सा गेट है. तो सभी को पता होना चाहिए कि सर ये हमारा एक और गेट है, और अगर ये हमारा एक और गेट है तो बेटा यहां पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? तो यहां पर आउटपुट मिलने वाला है इन दोनों का एडिशन. अब यहां पर बेटा इन दोनों का एडिशन क्या होता है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी वन में कुछ भी ऐड करोगे तो वन ही मिलता है, जब भी वन में कुछ भी ऐड करोगे तो वन ही मिलता है. तो आपको वन यहां पे मिल गया.
और जब यहाँ पे वन आ गया तो वन ऊपर यहाँ भी चला गया और वन यहाँ पर भी चला गया, चला गया या नहीं चला गया? हाँ सर। अब ये कौन सा गेट है बेटा? इसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट। कौन सा गेट है ये? एक्स नॉर गेट। ये हमारा एक्स नॉर गेट है। अब एक्स नॉर गेट में अगर मान लेते हैं कि एक इनपुट वन है और दूसरा इनपुट क्या है, ये देखो जीरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स नॉर गेट कैसे काम करता है? एक्स नॉर गेट का आउटपुट होता है, पहले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और फिर इन दोनों के बार को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी कि 1 का बार कर दो इनटू 0 का बार कर दो। ये आउटपुट कहलाता है एक एक्स नॉर गेट का। क्या बोला? पहले दोनों इनपुट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनके बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इनटू 0 क्या हो गया? 0। 1 बार क्या होता है? 0। तो 0 इनटू एनीथिंग अगेन क्या हो गया? 0। तो यहां पे आउटपुट क्या मिला आपको? 0 मिला। सिमिलरली ये कौन सा गेट है बेटा? इसको बोलते हैं नैंड गेट। सिमिलरली ये कौन सा गेट है? इसको क्या बोलते हैं? नैंड गेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नैंड गेट। अब नैंड गेट इसको बोला जाता है, तो इधर से 0 आया, इधर से 1 आया, तो 0 इनटू 1, तो NAND गेट बोलता है 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और पूरे का क्या ले लो? बार ले लो। तो 0 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 का बार क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अब 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? तो 1 हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या निकल के आ गया? 1 इज द परफेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 इज द परफेक्ट आंसर। किसी टाइम पर गेट की ट्रुथ टेबल डाल सकते हैं साकिब भाई? मैं आपको यहीं पर क्लास में रिवाइज करा दूंगा गेट की ट्रुथ टेबल, इतना काय को लोड लेना है। कितने बच्चे चाहते हैं गेट की ट्रुथ टेबल? कितने बच्चे चाहते हैं अभी राइट नाउ ऐसा हैंड रेज करना, गेट की ट्रुथ टेबल रिवाइज करना, सारे गेट्स की ट्रुथ टेबल रिवाइज करना? कितने बच्चे चाहते हैं? अगर 15 बच्चे भी हो गए तो मैं अभी रिवाइज करवाऊंगा। कितने बच्चे चाहते हैं गेट्स की ट्रुथ टेबल? कितने बच्चे चाहते हैं? 15 बच्चे भी हो गए तो मैं अभी रिवाइज करवाऊंगा। 15 बच्चे भी हो गए तो मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं चाहेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, उनको रटी हुई है, तो बट कोई नहीं भाई, आप लोग का 5 मिनट वेस्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यस यस, हमने लास्ट नाइट में सारी पढ़ ली खुद से। यस यस, काजल बहरा, ओके ओके ओके, नो नो बोल दिया डायरेक्ट, सच्ची में नहीं। देखो यार सीधी सी बात है, कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो बाकी बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना है। यस सर, रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है ना? नो, कुछ बच्चों तो मना ही कर दिए डायरेक्टली, मत करवाओ भाई, ठीक है, उनको रटी हुई इसलिए वो मना कर रहे हैं। चलो यस, चलिए मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पर, नहीं टेलीग्राम पे भेजने वाली बात नहीं है। चलो मैं 2 मिनट 5 मिनट में आपको रिवाइज करवाता हूँ, 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा, 5 मिनट लगेगा बाद, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा एक गेट होता है जिसको बोलते हैं नॉट गेट। क्या होता है? नॉट गेट। सबसे पहले गेट होता है नॉट गेट। इस नॉट गेट का सिंबल होता है, 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, इस नॉट गेट का सिंबल होता है ये ऐसा। इसका मतलब ये होता है इसका इनपुट में क्या है? एक्स, और इसके आउटपुट में क्या है? वाई। क्लियर? तो बेटा इसके इनपुट में एक्स है और इसके आउटपुट में वाई है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक तरफ इनपुट को रखो, एक तरफ आउटपुट को रखो। क्लियर हो गई बात? यस सर। अगर आप इनपुट में 0 रखते हो तो ये नॉट गेट करता क्या है? 0 को बना देता है 1, ठीक है, और अगर आप 1 रखते हो तो ये नॉट गेट करता क्या है? 1 को बना देता है 0। ये हो गया नॉट गेट। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब दूसरा गेट देखो, बहुत जल्दी जल्दी करवा दूंगा, चिंता मत करो। ये कौन सा गेट है आपका? और गेट। ये कौन सा गेट है आपका? इसको बोलते हैं और गेट। ये कौन सा गेट है? और गेट। इसका काम होता है एडिशन करना। अब इसमें इनपुट कितने हैं? 2। आउटपुट कितना है? 1। तो यहाँ पे इनपुट 2 है, आउटपुट कितना है? 1। तो इनपुट है 2, आउटपुट कितना है? 1। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी जरा देखो। अब इनपुट क्या हो सकते हैं? या तो दोनों क्या हो जाए बेटा? दोनों 0-0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए? y 1 हो जाए और ये x 0 ही रहे, या फिर x 1 हो जाए और y 0 रहे, या फिर ये दोनों 1-1 हो जाए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती। 0 प्लस 0 में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 में 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1। 1 में 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1। और 1 में 1 को ऐड करोगे तो भी क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। यानी कि 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और हमारा जो फंक्शन बनता है वो कैसा बनता है? हमारा फंक्शन बनता है x प्लस y। ये हमारा क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बनता है? y इक्वल टू x का बार। क्या बन जाता है? y इक्वल टू x का बार। तीसरा गेट देखो, बहुत बेसिक गेट है ना? ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट। अब तीसरा गेट क्या होता है हमारा? इसको बोलते हैं एंड गेट। इसको क्या बोलते हैं? एंड। एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो एंड गेट में क्या है? इनपुट एक्स वाई। ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट। अब एंड गेट का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करेगा एंड गेट? इधर देखो, इनपुट में कौन है? एक्स वाई। कितनी पॉसिबिलिटीज है इनपुट की भाई? या तो ये दोनों 0-0 होंगे, या तो ये 0-1 होगा, या तो 1-0 होगा, या तो 1-1 होगा। आउटपुट क्या मिलेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आउटपुट जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा तो 0 × 0 क्या मिलेगा? 0। 0 × 1 क्या मिलेगा? 0। 1 × 0 क्या मिलेगा? 0। और 1 × 1 क्या मिलेगा? 1 मिल गया। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इसको बोलते हैं एंड गेट। अब आता है इसके बाद की बात, तो अब इसके बाद रट लो तोते की तरह। क्या रटोगे? अगर मान लो कौन सा गेट है? नॉर गेट। क्या है? नॉर गेट। तो नॉर गेट कुछ नहीं होता, नॉर गेट का मतलब होता है और गेट के बाद एक नॉट गेट लगा दो। और गेट के बाद क्या लगा दो? एक नॉट गेट लगा दो, यानी कि जो आउटपुट और के आ रहे हैं वो उल्टे कर दो। तो ये आपका बन जाता है नॉट गेट, नॉर गेट। ये क्या बन जाता है? नॉर गेट। जरा सुनना, याद रखने का तरीका,
ये आपका क्या है एक्स, ये क्या है वाई। तो जो आपने अभी और गेट की ट्रुथ टेबल पढ़ी हुई है, जो आपने अभी और गेट की ट्रुथ टेबल पढ़ी हुई है ना, और गेट की ट्रुथ टेबल आपने क्या पढ़ी थी, 0001 1011, और गेट की ट्रुथ टेबल क्या पढ़ी थी, यहाँ जीरो था बाकी तीनों में वन था ना, इनको उल्टा कर दो क्योंकि और के बाद क्या लग गया नॉट लग गया, तो इनको जब उल्टा कर देंगे तो ऊपर वन हो जाएगा बाकी सब जीरो हो जाएंगे, समझ में आया, इसको बोलते हैं नॉर गेट। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नॉर गेट के बाद आ जाता है नेंड गेट, नॉर गेट के बाद कौन आ जाता है नेंड गेट, नेंड गेट में क्या करना है, नेंड गेट में क्या करना है, तो नेंड गेट में आपने अभी क्या याद किया था, आपने याद किया था अभी एंड गेट, तो एंड गेट के बाद क्या लगा दो एक नॉट लगा दो, एंड गेट के बाद क्या लगा दो एक नॉट लगा दो, यानी कि एंड गेट के जो आउटपुट थे उनको क्या कर दो उल्टे कर दो, तो एंड गेट के बाद तो ट्रुथ टेबल में भी नॉट लगा दो और यहाँ पे भी नॉट लगा दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, ये एक्स है और ये वाई है, ये एफ है, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एफ है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई है, ये जीरो जीरो था, ये जीरो वन था, ये वन जीरो था और ये वन वन था, यहाँ पे फंक्शन में क्या है एफ, तो एंड गेट की आउटपुट क्या आए थे अभी थोड़ी देर पहले आपने मल्टीप्लाई किया था, जीरो इंटू जीरो क्या मिला था जीरो, उसको पल्टी मार के वन कर दो, जीरो इंटू वन क्या मिला था जीरो, उसको पल्टी मार के वन कर दो, वन इंटू जीरो क्या मिला था जीरो, उसको पल्टी मार के वन कर दो, और वन इंटू वन क्या मिला था वन, उसको पल्टी मार के जीरो कर दो, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नेंड गेट, खत्म हो गया। और क्या था देर हुआ, एक्स वाला गेट बता दो, एक्स वाला देना है तेरे को, एक्स के बारे में जानना है, ये ले एक्स वाले के बारे में, ये ले एक्स के बारे में सुन, एक गेट होता है जिसको बोलते हैं एक्स और गेट, क्या बोलते हैं एक्स और गेट, क्या बोलते हैं उसको एक्स और गेट, ये गेट थोड़ा विचित्र टाइप का होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, ध्यान रखना क्लियर ओके। अब यहां पे ये एक्स होता है और ये वाई होता है और ये एफ होता है, अब ये गेट कैसे काम करता है जरा सुन, ये गेट कैसे काम करता है, अब इनपुट तो दो ही मिल सकते हैं, या तो 00 या तो 01 या तो 10 या तो 11, तो यहाँ पर ये आउटपुट में कैसा देता है, ये गेट क्या बोलता है, बोलता है अगर सारे दोनों इनपुट 00 हैं तो आउटपुट 0 रहेगा, और दोनों इनपुट 11 भी यानी कि सेम हो गए तो भी आउटपुट 0 रहेगा, लेकिन अगर एक इनपुट 0 है ना और दूसरा 1 है तो आउटपुट 1 रहेगा, और एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है तो भी आउटपुट 1 रहेगा, ये कहलाता है तुम्हारा XOR गेट। इसका फंक्शन कैसे बनता है, इसका फंक्शन होता है एक इनपुट पकड़ लो दूसरे का बार में मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा पकड़ लो पहले के बार में मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका फंक्शन होता है। अब जब जब तुम यहाँ X और Y की वैल्यू रखोगे इनमें से चारों में से, तुम देखना F की वैल्यू तुमको इन्हीं चारों में से मिलेगी, जब जब तुम यहाँ X और Y की वैल्यू 0 रखोगे तुमको F की वैल्यू ये मिलेगी, जब जब तुम X और Y की वैल्यू 1 रखोगे तुमको F की वैल्यू 0 मिलेगी, करके देख लो अपने आप आएगा। सिमिलरली अगर ये याद हो गया तो तुमको ये भी समझ लो, इसका XOR के आगे एक लगा दो गेट है ना, XOR के आगे क्या कर दो तुम एक नॉट गेट लगा दो, तो ये बन जाता है एक्स नॉर गेट, कौन सा बन जाता है एक्स नॉर गेट, ईएक्स भी लिखते हैं एक्स भी लिखते हैं, तो ये कौन सा गेट बन जाता है एक्स नॉर गेट, जब ये एक्स नॉर गेट बन जाता है तो यहां पर ये कैसा सिंबल बन जाएगा, ये एक्स नॉर गेट बन जाता है तो यहां पर ये कैसा सिंबल बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है, ये एक्स और वाई, तो जो आउटपुट अभी यहां आए थे इनका क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट कर दो, इनका कॉम्प्लीमेंट कर दो यानी कि 1 को 0 बना दो और 0 को 1 बना दो, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये f हो जाएगा, तो ये 0 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 लिख दो, 0 1 पे यहाँ 1 है तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पे 10 पे क्या है 1 है तो यहाँ 0 लिख दो, और यहाँ पे 11 पे क्या है 0 तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये खत्म हो गया x नॉट, खत्म हो गया बस, क्लियर है। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चंस के ऊपर। चलो, तो द पावर ऑफ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसकी पावर आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है, एक लेंस है जिसकी पावर आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है, पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, एक ऐसा लेंस है जिसकी पावर आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसकी पावर सॉरी फोकल लेंथ दी हुई तो पावर क्या होगी, तो पावर के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया, पावर हमेशा क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ, तो पावर अगर हमारा 1 बाय फोकल लेंथ है तो पावर हो जाएगा 1 बाय 0.01। इंपॉर्टेंट क्या है, फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी है, मीटर्स में लेनी है, तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा 100 डायोप्टर हमारी क्या आ जाएगी, पावर हो जाएगी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 100 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर ऑल्सो फाइंड द करेक्ट लेंस सिस्टम, कहने का मतलब यह है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर वाले एक अवतल लेंस के साथ संपर्क में फोकस दूरी वाला 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, साथ ही सही लेंस प्रणाली भी ज्ञात करिए। कुल मिला के आपसे क्या बोला जा रहा है जरा समझ लो, आपसे बोला जा रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस के साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है,
दोनों की फोकल लेंथ दी है, एक की 50, एक की 40, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, और ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, और साथ ही साथ में आपको यह भी बताना है क्या कि पर्टिकुलर जो लेंस है वो क्या बनेगा। तो पर्टिकुलर लेंस क्या बनने वाला है, जल्दी बताओ सभी बच्चे, जल्दी बताओ क्या बनने वाला पर्टिकुलर लेंस। सर आप ऐसा भी बताए थे कि एक में एक्स जोड़ना तो एक्स वन आएगा, उसके जैसे और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या? यस साके भाई, एक्स में वन बिल्कुल प्रॉपर्टी है, वन वन में कुछ भी जोड़ दे तो वन ही आता है, कुछ भी जोड़ दे, वन में पहाड़ जोड़ दे तो भी वन ही आता है, और जीरो में कुछ भी जोड़ दे जो जोड़ता वही आता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। चलिए तो बेटा याद रखना, दो लेंस जब भी हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे कि एक लेंस हमारा ये हो गया, एक लेंस हमारा ये हो गया, तो जब भी दो लेंस हमारे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमेशा फोकल लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो बेटा ओवरऑल फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ वन है, इसकी फोकल लेंथ टू है, दोनों फोकल लेंथ ओवरऑल क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों फोकल लेंथ ओवरऑल क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये कितनी हो जाएगी, 40 × 20, तो 40 × 50 हो जाएगी, तो 5×4 का कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2000। ऐसा होता है क्या? नहीं गधो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर नहीं है जो मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी दो फोकल लेंथ हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो सबसे पहले तो इन फोकल लेंथ के साथ आपको एक काम ये करना है कि भाई ये 40 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 होगा, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ओवरऑल फोकल लेंथ जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है 1/f1 + 1/f2, तो 1/f1 + 1/f2 बनता है, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1/1 यानी कि 10 × 1/4 + 1/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 200 या 300 के पास जो भी निकल के आना है ये निकल के आ जाएगा, 5×4 9 है ना, 5 × 9 = 20, 29 कितना आधा निकल के कैलकुलेट कर लेना जो भी निकल के आता है। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमारी जो भी निकल के आ जाएगी वो निकाल लीजिएगा, और जब फोकल लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी तो उसको वापस सेंटीमीटर में कर दीजिएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कॉनकेव की जितनी है, तो ये भाई कौन सा लेंस बनता है, डाइवर्जिंग लेंस। यानी कि जब भी आपकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमारी ज्यादा होगी कॉनकेव के ज्यादा होगी तो आपका बनेगा डाइवर्जिंग लेंस, और जब भी आपकी फोकल लेंथ कॉनकेव की ज्यादा होगी कॉन्वेक्स से तो बनता है कन्वर्जिंग लेंस। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉइल को इमर्स किया वाटर पॉन्ड के अंदर, अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन व्यूड टू द टॉप। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक जो कॉइन होता है या एक पेंसिल होती है हमारे जो होते हैं कि बेसिकली हमको कैसे दिखते हैं, थोड़े से अजीब से दिखने लगते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं, उभरे हुए से दिखते हैं। ये इसलिए दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन, दैट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्लियर? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। मितुल मिस्त्री, चलिए अब मुझे बताओ पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया, पुराने वाले क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हो, कोई बता सकता है इसका आंसर 200 कैसे आएगा? एनीबॉडी एल्स, कोई बता सकता है 200 कैसे आएगा? जल्दी कोई भी बच्चा बताओ जल्दी से, इसका 200 आंसर कैसे होता है, क्या फॉर्मूला लगता है, क्या ये मैंने लगाया हुआ फॉर्मूला सही है? चेक कर लो एक बार, चेक कर लीजिए आप एक बार। गुड गुड गुड। तो बेटा यहां पर एक जो बहुत बड़ी गलती हमने करी, हमने डायरेक्टली फोकल लेंथ तो ऐड कर दी लेकिन हमने ये ध्यान नहीं रखा कि एक कॉनकेव लेंस है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है या कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि एक कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ती है, नेगेटिव लेनी पड़ती है। तो एक कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा फोकल लेंथ जब नेगेटिव लोगे अपने आप 200 सेंटीमीटर आंसर आएगा, करके देखो अपने आप आता है। क्लियर? तो जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो यही करते हैं पेपर के अंदर कि भाई जब भी क्वेश्चन आए, लेंसेस के केस में तो फिक्स्ड है एकदम, मिरर के केस में फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन लेंसेस के केस में तो फिक्स्ड है कि साला एक को पॉजिटिव लेना और एक को नेगेटिव लेना। तो ये गलती अब आपने को दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे बस यही गलती है और कुछ भी नहीं है। चल नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन द सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी हम कुछ चार्ज को सोप बबल पे रखते हैं, यानी कि बुलबुला, पानी का बुलबुला, साबुन के पानी का बुलबुला, तो बुलबुले के ऊपर जब रखते हैं, जिंदगी भी एक पानी का बुलबुला ही है, ठीक है, और अगर जब हम रखते हैं तो याद रखिएगा चार्ज को, तो क्या होता है, तो जल्दी बताएंगे एक बुलबुले के ऊपर जब हम बुलबुले को रखते हैं तो जल्दी बताइए तो क्या होने वाला है। क्लियर? व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सोप बबल। तो जब एक चार्ज को हम प्लेस करते हैं किसी सोप बबल पे तो क्या देखने को मिलता है,
तो उसकी जो रेडियस होती है वो बढ़ जाती है, बबल जो होता है कोलैप्स हो जाता है, तो उसकी रेडियस अपने आप में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी कि वो एक्सपांड होने लगता है, उसकी रेडियस अपने आप में बढ़ती है और वो एक्सपांड होने लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनकरेक्ट। परफेक्ट क्वेश्चन है एटीसी के लिए, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? चार्ज कंजर्व्ड होता है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। बट एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, चार्ज क्वांटाइज भी है, ठीक है, और कंजर्व्ड भी है, क्योंकि चार्ज अगर कंजर्व नहीं होता तो किरचॉफ साहब का लॉ नहीं लगता, तो चार्ज अपने आप में कंजर्व्ड भी है। चलिए, इसी बहाने एक सवाल करते हैं। अब ये मत बोलो ना ये लायक क्वेश्चन नहीं है एटीसी के लिए, गजब कर देते हो भाई, हां लायक ही नहीं है तो क्या है, है? लायक नहीं, प्लस माइनस इसका नाम है वी एक्स, इसका नाम है वी वाई, आपको बताना है फाइंड वी एक्स प्लस वी वाई। वी एक्स प्लस वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर। ये सवाल है आपके पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, जल्दी कैलकुलेट करेंगे। ये करंट सोर्स के साथ सीरीज में बैटरी लगी है, ये एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में करंट सोर्स लगा हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर करंट सोर्स और इस पर्टिकुलर करंट सोर्स के पास जो गिवन पोलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज कैलकुलेट करना है। आई थिंक शायद पोलैरिटी किसी को विजिबल नहीं होगी, तो मैं एक बार और बना देता हूं, शायद विजिबल हो जाए, एक बार और बना देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो यहां पर हमने प्लस पोलैरिटी लिए, यहां पे नेगेटिव लिए, यहां पे प्लस लिए, यहां पे नेगेटिव लिखिए, इसको वी वाई माना है और इसको वी एक्स माना है। आप कैलकुलेट करें, जल्दी फटाफट कैलकुलेट करेगा एक एक बच्चा। सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बिकॉज इट्स शोइंग इन डायग्राम इन फिजिक्स बुक, नहीं बेटा वो गलत बना, वो गलत नहीं बना, वो फिजिक्स, वो क्लोज लूप उसको नहीं बोलते हैं, है ना, उसको क्लोज लूप नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। पोलैरिटी गलत नहीं बना रहा हूं, पोलैरिटी बनाना एग्जामिनर के हाथ में, अगर मैं गलत बना रहा हूं तो सही वाली आएगी उसको माइनस ले लेते हैं, समझा। तो पोलैरिटी गलत मैं नहीं बना रहा हूं, पोलैरिटी तो मेरे को बनानी, मैं पूछ रहा हूं ऐसा, तो उसके हिसाब से आंसर देना है। पोलैरिटी तो वो होती है जो इंसान खुद डिसाइड करता है, तो ये मैंने डिसाइड करी पोलैरिटी, सही गलत है क्या वो आपको सोचना है। चलिए, और जो बच्चा बोल रहा है ना कि बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो उसका क्लोज लूप का मतलब वो नहीं होता बेटा, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा हाथ है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अब मान ले ये मेरे पास 100 कूलम का चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, निकालता है। अब मैंने बगल में दूसरा हाथ रखा है, ये दूसरे हाथ में 50 कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है, 50 कूलम का, बट नेगेटिव में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर लेगा, तो क्या ये पूरी इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा, नहीं, इसकी औकात 50 कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लेने की, बट ये तो 100 दे रहा है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां चली जाती है, इंफिनिटी पे, इसलिए बोलते हैं क्लोज लूप नहीं बना। बट मैग्नेटिक पोल में ऐसा नहीं होता है कि मेरे हाथ में इधर नॉर्थ पोल है और इधर मेरे हाथ में साउथ पोल है, साउथ पोल वीक है, ऐसा नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही अपने आप में बराबर स्ट्रांग होते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, क्लियर। अगर कहीं नॉर्थ पोल है उसका जो मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ है उतना ही किसी साउथ पोल का भी होगा, चाहे वो खिलौने में हो चाहे वो अर्थ का हो, सब कुछ सेम, ठीक है। सर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टॉपिक लीव कर दूं क्या? यस यस कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे गाइस, सभी बच्चे जल्दी फटाफट, और इसके बाद सभी बच्चे इस क्वेश्चन के बाद एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे यार, हैं, एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे। हर दिन आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एकदम बेहतरीन सवाल आप लोग के लिए लेके आता हूं यार, ठीक है, लेकिन तुम लोग का जो प्यार होता है वो बोलने के बाद निकलता है। 51 स्टूडेंट्स वॉचिंग नाउ, 28 लाइक आर देयर ओनली, तो जल्दी करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, और सभी का आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन के अंदर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया, सभी के आंसर इस क्वेश्चन के अंदर आ जाने चाहिए। चलिए करो, चलिए, अब कुछ बच्चों के आंसर आते हुए तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम चेक करने जाएंगे यहां पर, तो
तो हमारे पास कुछ थोड़ी सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए चेक करने के लिए। सबसे पहली बात बेटा, ये ब्रांच जो दिख रही है यहां से जब यहां तक देखते हो तो इस ब्रांच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है। अगर इस ब्रांच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर जाने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू पहले से देख रखी है। कितनी वैल्यू देख रखी है? 5 एम्पियर। दूसरा बेटा, इस ब्रांच में भी एक करंट सोर्स लगा हुआ है, यानी कि इस ब्रांच में जाने वाले करंट की वैल्यू पहले से देख रखी है। कितनी? 2 एम्पियर। यानी कि यहां से यहां तक 2 एम्पियर को जाने से कोई नहीं रोक सकता, यहां से यहां तक 5 एम्पियर को जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि यहां से जाने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, तो यहां से जाने वाला करंट जब ऊपर जाएगा तो बोलेगा 5 तू ले ले, 2 तू ले ले, यानी कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा? 7 एम्पियर का। बट उससे हमको कोई मतलब नहीं कितना होगा। अब आती है दूसरी बात पे, जब ये 7 एम्पियर इधर आएगा तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए यहां पे कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर का इसमें जा रहा है। जब 2 एम्पियर का इसमें जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ साहब ने क्या बोला था, ओम साहब ने बोला था जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो होता है। अच्छा भैया, ओम साहब की बात आ गई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो होता है। और अगर इसमें आज 2 एम्पियर का है तो इसका मतलब इसमें जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का, वो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? 2 × 2, यानी कि कितने वोल्टेज का होगा बेटा? 4 वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज अवेलेबल है वो 4 वोल्टेज। अब इस सर्किट को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जस्ट आप लोग देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर हम बात करेंगे यहां पे तो एक रेजिस्टेंस है और एक और यहाँ पे करंट सोर्स है। अभी आपको देखना, रीड्रॉ कर रहा हूं तो सर्किट को एक क्लैरिटी मिलेगी। और ये रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूं, मतलब थोड़ा सा ऐसे उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो बिल्कुल सर आप। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैंने ऐसा शिफ्ट कर लिया। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो इसके जैसे सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये कितने वोल्ट है बेटा? 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 1 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। चलिए, अब ये बैटरी कितने वोल्ट की थी? तो सभी को पता है 5 वोल्ट की बैटरी थी। ये कितने ओम का था? 2 एम्पियर का, सबको मालूम है। सॉरी, 2 एम्पियर का था या 5 एम्पियर का? 5 एम्पियर का था। तो ये वाला सबको मालूम है 5 एम्पियर का था। तो ये सबको मालूम है 5 एम्पियर का था। ये कितने एम्पियर का था? सभी को पता है 2 एम्पियर का। और यहाँ पे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक वोल्टेज निकाला, यहाँ पे जो वोल्टेज निकल के आया वो हमारा कितना आया? 4 वोल्ट का। ये हमारा 2 ओम है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस ब्रांच के अंदर 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो बेटा आप बताओ, जब ये 7 एम्पियर इसमें जाएगा तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल आएगा, तो 7 × 1 करने जाएंगे तो यहाँ पे 7 वोल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, 1 ओम था ना ये? हाँ, 1 ओम था। तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिल गया बेटा? 7 वोल्ट मिल गया। अब जरा मेरे आप दिमाग लगाना, मोहित सर वाला दिमाग लगाना, तो अपने आप क्लियर पता चल जाएगा। कुल मिला के बेटा बस आप मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज बता दो, अपना क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। सर ये कैसे पता करेंगे, जरा देखते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप लोग पहले से अज्यूम कर लो कि ये 0 वोल्ट है। कितने वोल्ट का अज्यूम कर लो? 0 वोल्ट है, मान लिया 0 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा हमारा वो 10 वोल्ट होगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। एक बैटरी का छोटा डंडे वाला यानी कि लो पोटेंशियल अगर 0 हो जाए तो बैटरी का हाई पोटेंशियल 10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 10 आना चाहिए। अगर आप ये वाले को 10 मान लेते तो ये 20 होता, 20 में से 10 माइनस करते तो 10 आता, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब इसके बाद देखो, ये 7 वोल्ट की एक बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 7 वोल्ट की। अगर ये 7 वोल्ट की बैटरी हो, 7 वोल्ट की बैटरी का हाई पोटेंशियल आज अगर 10 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट की बैटरी का लो पोटेंशियल यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? हाई में से क्या माइनस कर दूं? क्या मतलब हो गया? क्या है ना, तो क्या माइनस कर दूं? 10 में से क्या माइनस कर दूं कि 7 आ जाए? तो भाई 10 में से मैंने क्या माइनस कर दिया कि 7 मुझे मिल जाए? तो 10 में से क्या माइनस कर दूं कि 7 आ जाए? तो क्या की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? तो क्या की वैल्यू निकल के आ गई? 3 वोल्ट। कितनी निकल के आ गई? माइनस का 3 वोल्ट। तो माइनस का 3 वोल्ट आ गया क्या की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? माइनस का 3 वोल्ट। जब ये -3 आ गया तो यहाँ का भी कितना होगा? -3 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं। ये -3 होगा तो ये भी -3 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ये 4 वोल्ट की बैटरी है, इस 4 वोल्ट की बैटरी का हाई पोटेंशियल आज -3 है, तो 4 वोल्ट की बैटरी का लो पोटेंशियल कितना होगा कि 4 आ जाए? तो इसको मान लो क्या, क्या मान लो इसको? क्या, यानी कि -3 में से क्या माइनस कर दूं कि 4 आ जाए? तो भैया -3 में से क्या माइनस कर दूं कि 4 आ जाए? -3 में से क्या माइनस कर दूं कि 4 आ जाए? तो क्या की वैल्यू कितनी आ गई? तो क्या की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? माइनस का, सॉरी, क्या की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 1 वोल्ट आ जाएगी। तो इधर देखो, क्या की वैल्यू, सॉरी, क्या की वैल्यू कितनी आएगी? 1 वोल्ट नहीं आएगी। क्या उधर गया? तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 7 वोल्ट। तो क्या की वैल्यू जो आ चुकी है वो माइनस का 7 आ गई। तो क्या की वैल्यू तो आ गई माइनस 7।
तो क्या की वैल्यू जो आ गई है वो -7 आ गई, यानी कि ये वाला जो आ गया ये कितना आ गया -7। बहुत बढ़िया। अब ये वाला -7 आ गया तो इसको यहीं पे -7 ऐसा कैसा लिख दो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। अब इधर वाला कितना है? 0। यानी कि आपने इस करंट सोर्स के उस तरफ का पोटेंशियल निकाल लिया -7 और इधर का निकाल लिया 0। आपसे क्वेश्चन में कैसा पूछा था? आपको बोला था इधर हाई इधर लो, यानी कि इधर हाई बोला था और इधर लो बोला था, यही बोला था ना आपसे? हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर आप यहाँ देखोगे, एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर इधर लो आ रहा है और इधर हाई आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी VY की जो वैल्यू निकल के आएगी, VY की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी बेटा? अगर मैं इस वाले पोटेंशियल को देखूं तो ये आ जाएगा कितना? -7 वोल्ट। कितना वोल्ट निकल के आ जाएगा? -7। यानी कि -7 -0। तो जो पोलैरिटी आपको दी हुई है उसी के हिसाब से माइनस करना है। अगर आपको इधर प्लस पूछा इधर माइनस बोला है तो आपको भी ये मान के चलना है कि ये प्लस है और ये मान के चलना है ये माइनस है, तो हाई में से ही लो को माइनस करना है। तो -7 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब ऊपर चलते हैं जरा, तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये कितने वोल्ट है बेटा? ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी? क्या मान लेते हैं? मुझे नहीं पता। तो 0 में से क्या माइनस कर दूं कि 5 आ जाए? तो 0 में से क्या माइनस करोगे कि 5 आ जाए? तो 0 में से क्या माइनस करोगे कि 5 आ जाएगा? तो 0 माइनस क्या इक्वल टू 5, तो क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो 0 में से -5 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर -5 है और इधर -3 है। अब आप देखो, आपसे एग्जामिनर ने क्या बोला था? उसने बोला था इधर वाले को नेगेटिव इधर वाले को पॉजिटिव मानना। इसका मतलब आपको ये हाई मानना है और उसको लो मानना है। तो ये Vx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? Vx की वैल्यू आ जाएगी हाई माइनस लो, यानी कि -5 में से -3, यानी कि Vx की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी कितनी? -2 वोल्ट। कितनी आ जाएगी? -2 वोल्ट। अब आपसे पूछा था Vx और Vy की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा -2 में से -2 और -7 एड कर दोगे तो -9 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -9 वोल्ट। दिस वॉज द ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। क्लियर? नोडल लगाओ, ये गलत लूप बन रहा है। आंसर निकाल दिया तेरे बिना नोडल के। अब आंसर निकल गया, अब कमेंट देख देख कर फिर से बताएंगे सर। तो ऊपर वाले लूप में पोटेंशियल लॉ लगाओ ना, सच में टेक्स्ट बुक वाले का ही खिलवाड़ कर रहे हैं सर। हर्ष बट ट्रू कमेंट। क्या हो गया बेटा? हैं क्या लगाओ? पोटेंशियल लॉ लगाओ। यही तो सीखा बेटा जीवन में, पोटेंशियल लॉ लगा करके। यही सीखा जीवन में पोटेंशियल लॉ लगा के ना, इसीलिए नेटवर्क के इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, जब अगर मेरे से सीखा होता तो कभी भी जीवन में बिना किसी पोटेंशियल लॉ और बिना किसी करंट लॉ से बिना आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है? हाँ। ये हो सकता है कि किसी माइनस की 3 की जगह माइनस पॉजिटिव आ सकता है, या आप बोल सकते हो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। -3 की जगह आप बोल रहे हो -+4 आएगा, ये बोलना चाह रहे हो? ये बोलना चाह रहे हो हाई में से क्या माइनस कर दूं कि 7 आ जाए? 10 में से क्या माइनस कर दूं? तो यहाँ तो -3 सही है, ये 0 है तो ये 10 है, तो यहाँ -3 सही, ये -3 सही, ये -3 सही है। कौन सा वाला गलत आ रहा है? ये आपको क्या लग रहा है? ये पॉजिटिव आएगा। एक बार मेरे को चेक कर लें, तो ये 0 हो गया तो ये 10 हो गया, ये 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट है तो 10 में से क्या माइनस करूंगा? ओके, ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है लो भैया प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर, ठीक है ये प्लस कर दिया तो ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो आपका ये 4 है ना, तो 3 में से क्या माइनस कर दूं कि 4 आ जाए? तो 3 में से क्या माइनस कर दूं कि 4 आ जाए? तो 3 में से क्या माइनस कर दूं कि 4 आ जाए? तो 3 में से -1 को माइनस कर दो, ये लो भाई -1 कर दिया। ठीक है, -1 कर दिया। अब जब ये -1 कर दिया, ये तो ये +3 है और ये +3 है, तो यहाँ पर क्या करोगे? तो +3 में से क्या, अब यहाँ पे +3 हो गया, ठीक है ये -1 हो गया, ओके सर। यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या करोगे? -1 में से 0 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये Vy की वैल्यू हो जाएगी -1 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये +3 है, ठीक है इधर 0 है तो इधर -5 है, तो इधर क्या है? हाई और इधर क्या है? लो। यही पूछा था, इधर लो हाई पूछा था, तो -5 में से -3 कर दिया तो -8 आ गया, तो ये वाला जो हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 और दूसरा क्या है? -1, तो भी आंसर आपका -9 ही आ रहा है, तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है? -9। क्लियर है? क्लियर? करेक्ट आंसर इज -9 इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आते हैं वो बच्चे जो इसमें लगाएंगे KVL KCL नोडल मेश, ठीक है इस तरीके के लूप लगाएंगे। चलो तो अब एक काम करो, इस तरीके के लूप से एक सवाल करो, पोटेंशियल लॉ लगाओ, करंट लॉ लगाओ, तुम्हें जो लगाना है लगाओ और आंसर बताना, और बाकी बच्चों को जो मैंने सिखाया वो लगाना और आंसर बताना। ये देखना चाहते हैं अपन लोग कि समय किसमें आपको कम लगता है। चलिए
कुछ नहीं, आप लोगों की चीजों को थोड़ा सा सही करना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बना रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं, वेट। फाइंड आई, फाइंड आई करें जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू कैलकुलेट करेगा एक एक बच्चा जल्दी से फटाफट, एक एक बच्चा आई का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जल्दी कैलकुलेट करो बेटा, आई का वैल्यू एक एक बच्चा कैलकुलेट करेगा, आपको जो दिमाग लगाना है लगा लेना आराम से, और बस 3 सेकंड में आंसर निकाल लेना यार, 3 सेकंड में आंसर निकाल लेना बस। चलो, अरे गुस्सा हो गया क्या? अरे नहीं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, चलो गुस्सा नहीं हो रहा हूं, गुस्सा नहीं हो रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं बेटा, गुस्सा थोड़ी ना हो रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं। मुझे पता है आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ है, केवीएल और केसीएल। मैंने नहीं पढ़ा होगा क्या वो लॉ? मेरे को बताओ, मैंने भी तो पढ़ा होगा ना, है ना? उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी करी हुई है, और मैं केवल फिजिक्स तो पढ़ाता नहीं हूं, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी पढ़ाता हूं, गेट ईएससी आईआईजेई के बच्चों के लिए, ये तो एटीसी का एग्जाम है, उस टाइम पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मुझे पता है, क्लियर? इतने 7 साल में मेरे को पता है कि एक बच्चे का 3 सेकंड में आंसर कहां से आएगा, जल्दी करो इस क्वेश्चन को फटाफट, आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्लियर? जल्दी 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 फटाफट, आज 2 क्वेश्चन में टाइम एंड हो गया, लेकिन 2 क्वेश्चन से तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, जल्दी करो। क्वेश्चन देख लो और जल्दी से आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन देख लो बेटा और जल्दी से आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या कर पाओगे आई का वैल्यू कैलकुलेट? अगर कर पाओगे तो बोलिए, और अगर नहीं कर पाओगे तो बोलिए, है ना? देख लीजिए आप लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलो, आई का वैल्यू कैलकुलेट ना कर पाने के लिए मैं आपको एक और चीज देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, अब तो आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अब एक काम करो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लो आप लोग 10 ओम का, अब तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो 10 ओम का रजिस्टर, और साथ ही साथ में वहां भी अगर आई का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ भी बता देना आई का वैल्यू कितना हो, ठीक है? यहाँ पे आई वन का वैल्यू, तो यानी कि फाइंड आई एंड आई वन, I और I1 का वैल्यू कैलकुलेट करिए, I और I1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, हर एक बच्चा I और I1 का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, हर एक बच्चा, क्या हो गया बेटा, क्या कर रहे हो, अरे पगला गए हो? कोई नहीं स्वेगर, कोई नहीं, चलो आ जाओ पढ़ाई कर लो, चलो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती यार, है ना? ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती आपस में,
इस तरीके की बातें ना करो और बेटा सही चीज सीखो और सही चीज से करो, है ना। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये नहीं होता है कि आपने कोई चीज सीख ली और आप उसको अप्लाई करना सीख गए। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब यही होता है कि कोई चीज आपने सीखी, उसको अप्लाई करना भी सीखा और साथ ही साथ में उसको कम समय में आंसर निकालना भी सीखा। अगर आप बाकी लोगों के कंपेरेटिवली कम समय में आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ऐसा क्या कमी हो गई आप में, और अगर आप आंसर ही नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके मन में आना चाहिए कि ऐसे क्या कमी हो गई आप में, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया, क्लियर। चलो तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए आई वन और आई टू एंड ऑल द थिंग्स। चलिए तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पर बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं। आप थेविनिन थ्योरम लगा सकते हो, सुपर पोजिशन थ्योरम लगा सकते हो, नॉर्टन थ्योरम लगा सकते हो, केवीएल लगा सकते हो, ओम्स लॉ लगा सकते हो, केसीएल लगा सकते हो, आपको जमाने भर में जितने मेथड है आप वो सारे लगा सकते हो। लेकिन अगर आप उन मेथड को लगाने जाओगे यहाँ पे लूप लूप खेलोगे, पहली बात तो यहाँ लूप लूप खेल नहीं पाओगे, एक दो तीन और चार लूप है। फिर आप सोचोगे केसीएल लगा देंगे तो यहाँ यहाँ दो लगेंगे और एक तीसरा इसको रेफरेंस मानना पड़ेगा। इतनी इक्वेशन जब बनाओगे तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ जाएंगी। अब आता है बेहतरीन तरीका, आप एक काम करो किसी एक बैटरी को पकड़ लो, किसी एक बैटरी को आप पकड़ लो, अभी देखना आप 3 सेकंड में आंसर आएगा। तो किसी एक बैटरी को हम पकड़ लेते हैं, भाई ये कितने वोल्ट की बैटरी दिख रही है, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, 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 जस्ट अ मिनट।